अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू पैराडाइज कॉलेज। डियर स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने हेसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट सॉल्यूशन स्टडी किया था। आज हम डिस्कस करेंगे हेसिस लॉ की एप्लीकेशन, डेट इज बॉर्न-हेबर साइकिल। ये एक साइंटिस्ट बॉर्न-हेबर के नाम पर साइकिल बनाया गया है और ये साइकिल बेसिकली एप्लीकेशंस है हेसिस लॉ की। और इस साइकिल की भी आगे बेशुमार जो हैं वो एग्जांपल्स हैं, एप्लीकेशंस हैं। इसकी जो मेन एप्लीकेशन है वो ये है कि इससे हम किसी भी आयनिक कंपाउंड की मोस्टली बाइनरी आयनिक कंपाउंड, बाइनरी आयनिक कंपाउंड ऐसे आयनिक कंपाउंड को कहते हैं जो टू आयन से मिलकर बने हों, से एज एम पॉजिटिव एक्स नेगेटिव, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं जनरल फार्मूले से। तो इसकी जो है वो लेटेस्ट एनर्जी जो है वो फाइंड की जाती है विद द हेल्प ऑफ बॉर्न-हेबर साइकिल से। बॉर्न-हेबर साइकिल एप्लीकेशन है हेसिस लॉ की। और इस साइकिल की आगे फर्दर एप्लीकेशन है जिसमें मोस्टली जो एप्लीकेशन हम डिस्कस करते हैं कैलकुलेशंस ऑफ लेटेस्ट एनर्जी ऑफ बाइनरी आयनिक कंपाउंड। आज हम सोडियम क्लोराइड की लेटेस्ट एनर्जी को फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ बॉर्न-हेबर साइकिल। लास्ट पे हम इसकी फ्लो शीट डायग्राम भी बनाएंगे। पहले हम कैलकुलेशन करेंगे लेटेस्ट एनर्जी की। तो पहले कि जब ये बन रहा होगा सोडियम क्लोराइड, तो उसके बनने के दौरान आपने जो एक्सटर्नल कंडीशंस है, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड मेंशन करना है और प्रेशर 180 एम। अगर इसको हम एक साइकिल से रिप्रेजेंट करें, तो ये अगर अभी लास्ट टाइम हमने हेसिस लॉ में डिस्कस किया था कि आप एक कंपाउंड को डायरेक्ट प्रीपेयर कर लें या इनडायरेक्ट प्रीपेयर कर लें, दोनों केस में इंथाल्पी चेंज जो है वो कांस्टेंट रहेगा, यानी कि इंथाल्पी चेंज इन ए साइक्लिक प्रोसेस इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। तो ये मैं सोडियम क्लोराइड को प्रीपेयर कर रहा हूँ टू वे से। मैं इसको अगर इनडायरेक्ट प्रीपेयर करता हूँ तो इस रिएक्शन में जो इंथाल्पी में चेंज आएगा उसको हम इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन का नाम देंगे, जो बेसिकली इक्वल होगी -411 किलो जौल। अगर मैं दोबारा इसको इसमें कन्वर्ट करूंगा तो जो इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगी वो पॉजिटिव साइन में आ जाएगी। अब ये तो है डायरेक्ट मेथड। अगर इसको इनडायरेक्ट प्रीपेयर करना है तो पहले हमें सोडियम सॉलिड को सोडियम गैशियस आयन में और क्लोरीन गैस को क्लोराइड गैशियस आयन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर दोनों रिएक्ट करेंगे और सॉलिड सोडियम क्लोराइड बनाएंगे। इसमें जो इंथाल्पी में चेंज आएगा उसको हम लेटेस्ट एनर्जी का नाम देंगे डेल्टा एच एल नेगेटिव। यही हमने फाइंड करनी है। और ये जो डेल्टा एच एल है ये पॉजिटिव आ गया। अब हेसिस लॉ को अप्लाई करेंगे। क्या कहता है हेसिस लॉ? एनर्जी चेंज, एनर्जी आर इंथाल्पी चेंज इन ए साइक्लिक प्रोसेस ऑलवेज
इक्वल टू जीरो। और लास्ट टाइम हमने इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन भी लिखी थी कि सुमिशन डेल्टा एच साइक्लिक इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। अच्छा, अब इस इक्वेशन साइकिल को अगर हम देखें तो इक्वेशन क्या बनेगी? अब ये देखें जो है सिजला एनर्जी चेंज या इंथाल्पी चेंज इन ए साइक्लिक प्रोसेस ऑलवेज इक्वल टू जीरो, ये लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है सुमिशन डेल्टा एट साइक्लिक इज इक्वल टू जीरो। अब है सिजला के मुताबिक अगर इस साइकिल पर है सिजला को अप्लाई किया जाए तो इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू डेल्टा एच एक्स प्लस डेल्टा एच एल। इसको हम इक्वेशन नंबर वन का नाम दे दें। तो अब इस इक्वेशन को अगर हम रीअरेंज कर लें तो डेल्टा एच एल किसके इक्वल आ जाएगा? डेल्टा एच एफ माइनस डेल्टा एच एक्स। ये इक्वेशन टू बन जाएगी। अब इसमें जो डेल्टा एच एक्स है ये किसके इक्वल है? डेल्टा एच एटमाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम, डेल्टा एच आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम प्लस डेल्टा एच एटमाइजेशन एनर्जी ऑफ क्लोरीन और प्लस आ जाएगा डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ क्लोरीन। इसको आप इक्वेशन नंबर थ्री का नाम देंगे। अभी बाद में हम जब फ्लो शीट डायग्राम बनाएंगे तब आपको डिस्कस करवाएंगे, बताएंगे कि एटमाइजेशन एनर्जी सोडियम की कितनी है या आयोनाइजेशन एनर्जी सोडियम की कितनी है। तो लास्ट टाइम आपने स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ एटमाइजेशन डिस्कस किया था कि अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब व्हेन वन मोल ऑफ गैशियस एटम फॉर्म फ्रॉम देयर एलिमेंट अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, कि स्टैंडर्ड कंडीशन पर जब एक मोल एटम को गैशियस एटम को उसके एलिमेंट से बनाने में जो इतनी एनर्जी हीट अब्सॉर्ब होती है उसको हम इंथाल्पी ऑफ एटमाइजेशन का नाम देते हैं। यानी कि अगर सोडियम एटम है हमारे पास सॉलिड फेज में, इसको मैंने कन्वर्ट करना है सोडियम गैशियस में, तो इस केस में जो इंथाल्पी में जो चेंज आएगा उसकी वैल्यू आएगी 108 किलो जौल पर मोल। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन ए का। इसी तरह आयोनाइजेशन जब करवाएंगे हम सोडियम की, आयोनाइजेशन से मुराद किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा देना, इस केस में जो इंथाल्पी में जो चेंज आएगा उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 496 किलो जौल पर मोल। इस केस में जब हमने इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना तो हमें हीट प्रोवाइड करना पड़ेगी। इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर बी का। इसी तरह जब हम क्लोरीन की एटमाइजेशन करवाएंगे तो उस केस में जो इंथाल्पी में चेंज आएगा वो 121 किलो जौल पर मोल आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर सी का नाम दे देंगे। अब क्लोराइड आयन बनाना है हमने, तो वो जो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया था वो इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन एटम जो है इन गैशियस फेज अब्सॉर्ब कर लेगा। तो इसने चूंकि इलेक्ट्रॉन अब्सॉर्ब किया है तो अट्रैक्शन हुई है न्यूक्लियस और इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन के दरमियान, और जब भी अट्रैक्शन होती है तो हीट रिलीज होती है। इसको हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का नाम देंगे, इंथाल्पी चेंज इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ क्लोरीन। तो ये बन जाएगी हमारे पास -349 किलो जौल पर मोल। अब इसको हम इक्वेशन नंबर डी का नाम दे देंगे। अब हम पुट करेंगे इक्वेशन ए बी सी एंड डी इन इक्वेशन नंबर थ्री। तो ये बन जाएगा 108 प्लस 496 प्लस 121
प्लस माइनस 349। इन तीनों को सम करेंगे और इसमें से ये माइनस कर देंगे, ये प्लस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का साइन आ जाएगा, तो डेल्टा एच एक्स की वैल्यू आ जाएगी 376 किलो जौल। अब ये इक्वेशन जो हमारे पास आई है डेल्टा एच एक्स, इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 4 का। अब हम पुट करेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच एक्स एंड डेल्टा एच एफ इन इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा साथ, और ये आ जाएगा माइनस 787 किलो जौल पर मोल। तो सोडियम क्लोराइड की लेटेस्ट एनर्जी आ गई माइनस 787 किलो जौल पर मोल। तो इसी तरह हमने बॉर्न है बरसाइकल से सोडियम क्लोराइड की लेटेस्ट एनर्जी को हमने फाइंड कर लिया। और बॉर्न है बरसाइकल की सबसे अहम एप्लीकेशन जो है वो ये है कि इससे हम किसी भी बाइनरी आयनिक कंपाउंड की लेटेस्ट एनर्जी को फाइंड कर सकते हैं। और हमने अपनी एग्जांपल सोडियम क्लोराइड जो कि बाइनरी साल्ट था, बाइनरी आयनिक कंपाउंड था, उसकी लेटेस्ट एनर्जी हमने फाइंड कर ली। अब हम इसका फ्लो शीट डायग्राम बनाएंगे। तो ये बॉर्न है बरसाइकल मैंने ड्रा किया है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड बनाने के लिए ये बॉर्न है बरसाइकल जो है वो होगा कि जब हम सोडियम को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाएंगे डायरेक्ट, तो सोडियम क्लोराइड फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। और इस केस में इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू ये होगी। अगर हम इसको इनडायरेक्ट प्रिपेयर करें तो इसमें 4 स्टेप इन्वॉल्व होंगे। पहले जो है इसमें एटमाइजेशन होगी सोडियम की, फिर आयोनाइजेशन होगी सोडियम की, फिर एटमाइजेशन होगी क्लोरीन की, फिर जो है वो आयोनाइजेशन इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगी क्लोरीन की। तो इसमें जो ये इंथाल्पी चेंज होगा, ये देखें, पहले सोडियम को हम सोडियम गैशियस में कन्वर्ट करेंगे और इस इंथाल्पी को इंथाल्पी ऑफ एटमाइजेशन का नाम देंगे। इसकी वैल्यू होगी 108 किलो जौल पर मोल। फिर इसकी आयोनाइजेशन करवाएंगे और उसमें 496 किलो जौल मोल एनर्जी जो है वो अब्जॉर्ब होगी। फिर क्लोरीन की एटमाइजेशन करवाएंगे, इसकी जब हमने आयोनाइजेशन करवाई तो ये इलेक्ट्रॉन क्रिएट हुआ, इसकी फिर क्लोरीन की एटमाइजेशन करवाएंगे तो 121 किलो जौल मोल एनर्जी जो है वो अब्जॉर्ब होगी। अब ये क्लोरीन की भी क्या होगी है एटमाइजेशन। अब क्लोरीन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पिक करेगा तो इससे बना देगा क्लोराइड आयन। जब ये क्लोरीन ये इलेक्ट्रॉन पिक करेगा तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो -349 किलो जौल मोल एनर्जी रिलीज होगी। तो सोडियम पॉजिटिव गैसीय आयन और क्लोराइड गैसीय आयन बन जाएगा, ये दोनों कंबाइन होंगे तो फाइनल प्रोडक्ट सोडियम क्लोराइड बना देंगे। अब इस फाइनल प्रोडक्ट बनने के दौरान कितनी एनर्जी रिलीज होनी है वो हम फाइंड करेंगे बाय यूजिंग हैसीज़ लॉ, जो अभी हम आपने सामने फाइंड की, और उसकी वैल्यू आई हमारे पास
-787 किलो जॉल पर मोल। तो ये है बॉर्न हैबर साइकिल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब हम लेटेस्ट एनर्जी की एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं। अभी हमने बॉर्न हैबर साइकिल डिस्कस किया है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, यानी कि कैलकुलेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, कैलकुलेशन ऑफ लेटेस्ट एनर्जी ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो अब हम एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे लेटेस्ट एनर्जी की। लेटेस्ट एनर्जी इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वन मोल आयनिक कंपाउंड फ्रॉम देयर गैशियस आयंस अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। स्टैंडर्ड कंडीशन पर जब हम एक मोल आयनिक कंपाउंड को उसी के गैशियस आयन से प्रिपेयर करेंगे स्टैंडर्ड कंडीशन पर, तो जो हीट की क्वांटिटी रिलीज होगी उसको हम लेटेस्ट एनर्जी का नाम देंगे। अब लेटेस्ट एनर्जी हमने बॉर्न हैबर साइकिल में कैलकुलेट की है सोडियम क्लोराइड की, और इसका आंसर आया -787 किलो जॉल पर मोल। अब हम इसकी एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं। लेटेस्ट एनर्जी जो है ये हमें आइडिया प्रोवाइड करती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, जो कि आयनिक कंपाउंड में आयन्स के दरमियान होती हैं, कि आयनिक कंपाउंड जो आयन्स पर मुश्तमिल हो, आयन से मिलकर बना हो, तो आयन्स के दरमियान पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है, तो उसके दरमियान कितनी स्ट्रेंथ की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हमें कौन बताएगी, लेटेस्ट एनर्जी कैसे। अगर लेटेस्ट एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा है तो समझ लीजिए आयनिक कंपाउंड्स में आयन्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रांगर है, और अगर किसी आयनिक कंपाउंड की जो है वो लेटेस्ट एनर्जी की वैल्यू स्मॉल होगी तो इसका मतलब क्या होगा कि उसके आयन्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो वीक होंगी। इसी तरह अगर हम इसकी सेकेंड एप्लीकेशन के बारे में देखें तो ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी हमें स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह की है। स्ट्रक्चर से मुराद कि उसका क्रिस्टल जो है वो क्यूबक है, टेट्रागोनल है, हेक्सागोनल है या ट्राइगोनल है, तो इस तरह हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। तो इसी तरह ये हमें बॉन्डिंग ऑफ आयनिक कंपाउंड के बारे में बताएगी कि उसमें जो बॉन्डिंग है आयनिक कंपाउंड में, बॉन्डिंग तो जारी बात है वो जो है वो आयनिक बॉन्डिंग होगी, तो ये हमें स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड के बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है और बॉन्डिंग के बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि उसमें जो आयनिक बॉन्डिंग है वो वीक है या स्ट्रांगर है, स्ट्रांगर है या वीक है, ये हमें कौन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी, लेटेस्ट एनर्जी। इसी तरह इसकी थर्ड एप्लीकेशन है इंफॉर्मेशन अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी खसूसियात जो है वो हमें कौन बताता है, लेटेस्ट एनर्जी बताता है। प्रॉपर्टीज मीन्स फिजिकल प्रॉपर्टी, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी। अगर किसी आयनिक कंपाउंड की वाटर में सॉल्युबिलिटी जो है वो लेस है तो इसका मतलब क्या है, उसकी लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा है। अगर किसी आयनिक कंपाउंड की लेटेस्ट एनर्जी वैल्यू ज़्यादा होगी तो मीन्स उसकी वाटर सब में सॉल्युबिलिटी जो है वो लो होगी, कम होगी, ठीक है। लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा होने से मुराद कि उसके आयन्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रांगर हैं, आयन जो है वो एक दूसरे से स्प्लिट नहीं हो रहे, इस वजह से उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो वाटर में लो है। अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड का ज़्यादा है तो मीन्स उसकी लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा है। तो लेटेस्ट एनर्जी जो है वो किसी भी आयनिक कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टी मीन्स जो है उसकी सॉल्युबिलिटी या उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है उसके बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। तो इसी तरह आज का हमारा आर्टिकल ख़त्म हुआ। आज आई होप कि आपको ये आर्टिकल बॉर्न हैबर साइकिल विच इज़ द एप्लीकेशन ऑफ हेस इज़ला ये जो है वो समझ आ गया होगा। हाफिज़।